श्री विष्णु पुराण सातवां अध्याय भूर्भुवः आदि सात उधर्वलोकों का वृतांत। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुनि, अब मैं भुवर लोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रह गण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा के किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उत्तर प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे भोज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भूलोक का भी है। हे मैत्रेय जी, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्य मंडल है और सूर्य मंडल से भी 1,00,000 योजन के अनंतर पर चंद्र मंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 अर्थात 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी है। हे द्विजोतम, बृहस्पति जी से 2,00,000 योजन ऊपर शनि है और शनि से 1,00,000 योजन के अनंतर पर सप्तऋषि मंडल है तथा सप्तऋषियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुनि, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञ अनुष्ठान की स्थिति इस भारत वर्ष में है। ध्रुव से 1,00,000,000 योजन ऊपर महालोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय जी, उससे भी 2,00,000,000 योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चित्त संका भी रहते हैं। जनलोक से 4 गुना अर्थात 8,00,000,000 योजन ऊपर तपलोक है। वहाँ वैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12,00,000,000 योजन के अनंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर ना मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है, वह भूलोक ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भूलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14,00,000 योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों ने स्वर लोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भू भुवः स्वः कृतक त्रिलोक्य कहलाते हैं और जन तप तथा सत्य ये तीनों अकृतक लोक है। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसीलिए यह कृतकाकृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल कहे। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कपित अर्थात कैथे के बीज के समान ऊपर नीचे सब और अंड कटाह से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है तथा आकाश भूतु के कारण तामस अहंकार और अहंकार महत्त्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महत्त्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है, वह अनंत है तथा उसका ना कभी अंत अर्थात नाश होता है और ना कोई संख्या ही है,
क्योंकि हे मुनि वह अनंत असंख्य अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है और वही परम प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों तथा सैकड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धि ये संशयशील आपस में मिले हुए प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वरूप भूता विष्णु शक्ति से आवृत है। हे महामते वह विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय उनके पार्थक्य और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की हेतु है तथा सर्गारंभ के समय वही उनके शोभ की कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करता है उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुषमय जगत को धारण करती है। हे मुनि जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल स्कंध और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अन्य नए वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्यक्त प्रधान से महत्त्व से लेकर पंचभूत पर्यंत संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव असुर आदि का जन्म होता है और फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का ह्रास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि समुद्री मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण है। हे मुनि सतम जिस प्रकार धान के बीज में मूल नाल पत्ते अंकुर तना कोष पुष्प शीर तंडुल तुष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति के हेतु भूत भूमि एवं जल आदि सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। जो स्वयं जगत रूप से स्थित है जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा वह पर ब्रह्म ही भगवान विष्णु है। वह ब्रह्म ही उन भगवान विष्णु का परम धाम पर स्वरूप है। वह पद सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है, उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञादि क्रियाओं का कर्ता वही है, यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है और उन यज्ञादि का फल स्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप से जो स्त्रुवा आदि है वे सब भी हरि से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में सातवां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।